इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसने सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एडिशनल मेंबर्स जो नॉन ऑफिशियल थे उनकी संख्या बढ़ा दी, लेकिन इसमें ऑफिशियल मेजॉरिटी को मेंटेन भी रखा। इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन को इंक्रीज कर उन्हें बजट पर डिस्कशन और एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन को एड्रेस करने की पावर दी। इसमें वायसराय को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट करने की पावर दी। इसके अलावा गवर्नर को प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, संविदार और चैम्बर के रिकमेंडेशन पर नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट करने की पावर दी। इस एक्ट ने दोनों सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर के इलेक्शन के लिए एक लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन किया। इलेक्शन वर्ड का यूज़ एक्ट में नहीं हुआ था। इस प्रोसेस को रिकमेंडेशन पर किया जाने वाला नॉमिनेशन कहा गया।